फ्रेंड्स, आज हम वैलेंटाइन डे स्पेशल क्राफ्ट वीडियो लाए हैं, जिसमें हम जूट की बोरी और जूट की रस्सी से ये सुंदर सा शोपीस बनाना सीखेंगे। यह बनाना बहुत ही इजी है, उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम एक क्राफ्ट पेपर पे दिल का फिगर ड्रॉ कर लेंगे, कुछ इस टाइप से, देखिए आप ध्यान से, और इसको कट कर लेंगे। देखिए हमने इसको कट कर लिया है, और फिर हम बीच में फोल्ड करके बीच में एक इंच के बाद फिर हम एक छोटा सा दिल का फिगर ड्रॉ करेंगे और इसको भी कट कर लेंगे। ये जो हमने दिल का फिगर बनाया है, इसको कार्डबोर्ड पे रख के मार्क कर लेंगे पेन से, कुछ इस टाइप से। देखिए हमने मार्क कर लिया है, अब इसको कट कर लेंगे, अंदर से भी हम कट कर लेंगे। देखिए अब हम जूट का तीन रस्सी लेंगे, जैसे बाल गूथा जाता है उसी तरह चोटी गूथ लेंगे। देखिए कुछ इस टाइप से लंबा सा गूथ लेंगे हम, इसका यूज हम बाद में करेंगे। इसी टाइप से देखिए हमने बना लिया है लंबा सा, जो हमने कार्डबोर्ड का ये दिल बनाया था, इस पे ग्लू लगाकर इस पे रस्सी को लपेट देंगे पूरे में, कुछ इस टाइप से। आप ध्यान से देखिए हमने कैसे लपेटा है, इसी टाइप से पूरे में लपेट देना है। और साइड साइड से जो हमने ये चोटी बनाया था गूथ कर रस्सी का, उसी को साइड साइड से लगा देंगे। देखिए हमने लपेट दिया है साइड साइड से, और साइड से देखिए ये जो बनाया था इसको चिपका दिया है ग्लू की हेल्प से, देखिए अंदर से भी और बाहर से भी। अब हम दो हंस का जोड़ा बनाएंगे, एक बड़ा और एक छोटा। इसके लिए हमने पहले तार लिया है, लोहे की जो वायर होती है घर बनाने में यूज होता है, उसी को हमने लिया है, और उसी को मोड़ कर हमने कुछ इस टाइप से शेप दिया है बत्तख के आकार का, और इस पर कागज जो पेपर होता है उसको लगा के और धागे से लपेटा है कुछ इस टाइप से। आप ध्यान से देखिए मैंने कैसे बनाया है इसे, धागा से मैंने इसलिए लपेटा है क्योंकि हमारा ये कागज़ खुले ना। देखिए ये स्ट्रक्चर रेडी है फेस का, बत्तख का, और ये बोरी से हमने पतला पतला धागा निकाल लिया है कट करके, और ग्लू लगाकर इसी को हमने लपेटा है पूरे में। इसी से लपेट कर हम ढक देंगे पूरे को, देखिए आप ध्यान से मैंने कैसे किया है। और सेम इसी प्रोसेस से हम एक बड़ा और एक और बनाएंगे, बड़ा वाला हंस। देखिए हमने पूरे में इसी तरह लगा लिया है रस्सी, और मार्कर से ये आइज भी बना दिया है। अब हम बॉडी बनाएंगे, तो बॉडी बनाने के लिए हमने कुछ इस टाइप में बॉडी को कट कर लिया है, और अंदर कुछ फिल करने के लिए ये रस्सी वगैरह कुछ भर देंगे कचरा, और ग्लू से चिपका देंगे। देखिए कुछ इस टाइप से हमने चिपकाया है इसको, आप बस ध्यान से देखिए मैंने कैसे इसको चिपकाया है, ये खुले ना, इसके लिए मैंने ऊपर से फिर धागे से बांध दिया है, देखिए लपेट दिया है, और जब ड्राई हो गया उसके बाद मैंने धागे को हटा दिया। देखिए हमारा बॉडी बनकर रेडी है और ड्राई भी हो चुका है। अब हम फेस को बॉडी के साथ ज्वाइंट करेंगे, इसके लिए हमने फेस में ये फेविकोल लगाया है, और दोनों को चिपका देंगे इस टाइप से, और रस्सी जूट की जो मोटी वाली रस्सी होती है इसको हम लपेट देंगे कुछ इस टाइप से। आप ध्यान से देखिए मैंने कैसे किया है, और सेम इसी प्रोसेस से एक बड़ा वाला हंस बना लेंगे। हमने ये छोटा वाला आपको दिखाया है, बड़ा वाला नहीं बनाया है हमने। ये छोटा वाला हंस बना लिया है, और इसके आइज के लिए एक छोटा सा स्टोन लगा दिया है, इसी टाइप से एक बड़ा वाला भी बना लिया है। अब हम इसका पंख बनाना सीखेंगे, इसके लिए भी हमने कागज़ पे ये पंख का डिज़ाइन बना लिया है, और इसको कट करके बोरी पर रख कर मार्क कर लेंगे, और कैंची से इसको कट कर लेंगे, और इसी पे पतला वाला जूट की जो रस्सी होती है उसी से हम कुछ डिज़ाइन बना लेंगे, देखिए कुछ इस टाइप से। और इसी टाइप से हम चार पीस बनाएंगे, दो बड़ा और दो छोटा, बड़ा वाला हम बड़ा में लगाएंगे, छोटा वाला छोटे में लगाएंगे। पंख का यूज हम लास्ट में करेंगे, तब तक हम फूल बना ले रहे हैं। आप ध्यान से देखिए मैंने कैसे फूल बनाए हैं, इसी टाइप से छोटा छोटा पंखुड़ी बनाना है, हमने एक पंखुड़ी बनाकर सिखाया है आपको। देखिए इसी टाइप से हमने एक फूल के लिए छः पीस चाहिए, आप ध्यान से देखिए मैंने कैसे फूल बनाए हैं। फ्रेंड्स, मेरा चैनल अभी नया है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और मैं आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो लाता रहूँगा। देखिए हमने ये फ्लावर बना लिया है, इसी टाइप से हम तीन पीस फ्लावर बनाएंगे, और अब हम पत्ता बनाना सीखेंगे। इसके लिए भी हमने पहले कागज़ पर ये पत्ता का एक फिगर ड्रॉ कर लिया, और इसको कट करके बोरी पर रख के मार्क कर लेंगे, और इसको भी कट कर लेंगे। देखिए हमने कट कर लिया, और इस पर कुछ डिज़ाइन भी बना लिया है, पतला वाला जूट की जो रस्सी होती है उसी से चिपका चिपका कर।
सेमीसी टाइप से हम तीन पीस पतिया बना लेंगे। अब हम नीचे का स्टेन बनाएंगे। इसके लिए हमने कार्डबोर्ड को कुछ इस शेप में कट कर लिया और इसी टाइप से दो पीस कट करना है और बीच में थर्मोकोल का एक इसी साइज में कट करके लगा देंगे। डेकोरेट करने के लिए हमने फोम की जो बॉल होती है उसी को कलर करके देखिए चिपकाया है बीच से आधा कट करके। देखिए साइड साइड से इसको कलर कर दिया है ब्राउन कलर से। इस स्टेन को मोटा करने के लिए मैंने दोनों साइड से कार्डबोर्ड और बीच में थर्मोकोल लगाया था और ऊपर से बोरी से ढककर चिपका दिया था। अब हम सबको फिक्स करेंगे। जो पतिया लगाया है इसको हमने कुछ इस टाइप से फेविकोल से चिपका लेंगे। देखिए जो दिल हमने बनाया है उस पर और बीच में एक फ्लावर लगा देंगे और साइड साइड से भी एक एक फ्लावर लगा देंगे। देखिए हमारा ये कंप्लीट है। अब हम ये जो स्टेन बनाए हैं हम इसमें कील लगाएंगे, लोहे की जो कील होती है दो पीस, और इसी में दिल को फेविकोल की हेल्प से चिपका देंगे। देखिए अब ध्यान से मैंने कैसे इसको फिक्स किया है। फ्रेंड्स हमने ये दिल को फिक्स कर लिया है स्टेन में। देखिए अब हम इसी टाइप से दोनों हंस को भी फिक्स कर लेंगे कील की हेल्प से और नीचे फेविकोल लगा कर करेंगे ताकि चिपक जाए, ये अच्छे से ड्राई हो जाए। इसमें भी हम देखिए होल कर लिए हैं एक और पीछे से एक कील हिलाकर इसी में हम ये छोटा वाला जो हंस है इसको फेविकोल की हेल्प से चिपका देंगे। कील में हम देखिए हिला देंगे। बहुत ही ईजी है ये बनाना। अब हम जो पंख बनाए थे हम उसको हम चिपकाएंगे। देखिए बड़ा वाला जो पंख है इसको बड़े वाले में चिपका देंगे, पीछे से भी हम एक चिपका देंगे और इसमें एक छोटा वाला चिपकाएंगे। हमारा ये कंप्लीट है। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने जूट की बोरी और जूट की रस्सी से ये बहुत ही खूबसूरत क्राफ्ट बनाना सीखा है। आशा करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा, तो आप भी बनाइए और जहाँ आपको समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और अगर आप ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।